लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लैब्राडोर को कैसे पहचान सकते हैं कि वो प्योर ब्रीड है कि नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ओनर है वो लैब्राडोर के लिए बना है कि नहीं। हम में से बहुत लोग लैब्राडोर घर ले आते हैं और सोचते हैं कि उसका एक रिसोर्सफुल ओनर हम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लैब्राडोर ओनर बनने के लिए कुछ ट्रेट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, एज अ लैब्राडोर ओनर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं भी एक लैब्राडोर ओनर हूँ, मोटा हूँ, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल एक्टिव है। मेरे लैब्राडोर को डेली 8 किलोमीटर की मिनिमम वॉक मिलती है, लेकिन लैब्राडोर का जो ओनर होता है साथ में उसे भी वॉक करना पड़ता है उतना ही, क्योंकि लैब्राडोर इज अ कंपेनियन डॉग। अगर आप उसे खाली बिठाए रखेंगे तो वो बोर होते रहेगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर एंग्जाइटीज पैदा होती रहेंगी। सेकेंड, अगर आपका डॉग आपका कंपेनियन है तो आपको कंपेनियनशिप निभानी पड़ेगी। अगर आप अपने बी बच्चे माँ बाप सबको टाइम देते हो तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लैब्राडोर घर लेके आ रहे हैं तो उसे भी टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा अपने डॉग को देने के लिए। अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बोलूँगा लैब्राडोर घर मत लेके आइए। थर्ड पॉइंट, लैब्राडोर ओनर को लेड बैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेड बैक मतलब आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैब्राडोर एक बहुत ही एक्टिव ब्रीड है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको आलसी बना देते हैं अपनी तरह, खिला खिला के, सुला सुला के, बिना कोई एक्टिविटी दे के, माइंड एक्टिविटीज़ ना दे के मेक श्योर करते हैं कि वो हमारी तरह सुस्त पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लैब्राडोर ओनर हैं तो आपका लेड बैक होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट पॉइंट, लैब्राडोर ओनर को पेशेंस का भरमार रखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि लैब्राडोर एक ऐसी ब्रीड है जब वो छोटा होता है वो बहुत चुलबुली हरकतें करता है, पपी बाइटिंग करता है, कपड़े फाड़ता है, आपको इधर से उधर नचाते रहेगा, रात को उठाएगा, इधर से उधर घूमते रहेगा, सुसु पॉटी कहीं भी करते रहेगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, लैब्राडोर ब्रीड आपके लिए नहीं बनी है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े पॉइंट पे कि लैब्राडोर जो होना चाहिए वो एक जॉइंट फैमिली में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में डॉग नहीं रख सकते, लेकिन फर्ज करिए कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आपकी वाइफ जॉब पे जा रही है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और आपका जो लैब्राडोर है वो घर पे बैठा बैठा बोर होते रहेगा, तो उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जिससे उसके अंदर एंग्जाइटीज पैदा ना हो और साथ के साथ उसको खेलने के लिए, वॉक पे ले जाने के लिए कोई ना कोई घर पे रहे। अगर आप सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में लैब्राडोर्स अच्छी तरह रहते हैं, वहाँ के ओनर्स उन लैब्राडोर्स को टाइम देते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर आपके पास लैब्राडोर है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पर्सन होना चाहिए। अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है तो लैब्राडोर आप रख नहीं पाएंगे। एक बार आपने सोचा कि लैब्राडोर घर लेके आते हैं तो उसकी सारी हरकतों के बाद भी आपको उसे रखना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जो लैब्राडोर लेके आते हैं और रास्ते में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। आप समझिए कि वो एक बच्चा है, जैसे एक बच्चे को अपब्रिंगिंग देते हैं वैसे ही उसे देना पड़ेगा। उसका IQ लेवल एक 5 साल के बच्चे इतना होता है, तो इसलिए आपका जो विल होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप एक्टिव नहीं हैं और आपके घर में कोई भी नहीं उसका ध्यान रखने के लिए, तो लैब्राडोर आपके लिए नहीं बना है। लैब्राडोर की सीरीज चलती आ रही है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी अभी के लिए आपको बाय कहता हूँ।